हेलो दोस्तों, जान है तो जहान है। आइए आज बात करते हैं नाभि का खिसकना, नाभि का खिसक जाना। इसके बहुत सारे और अलग अलग नाम हैं, जैसे पेचुटी, कुछ बोलते हैं धरण, और या फिर कहा जाता है सोलर प्लेक्सस। तो इसका अपने हाथों में ही इलाज है, आप स्वयं इसका इलाज कर सकते हैं या कोई भी फैमिली मेंबर आपका या इसका इलाज कर सकता है, धरण का इलाज कर सकता है। तो क्या करना है, इसका रिफ्लेक्सोलॉजी का एक पॉइंट है अपने हाथ के बीचों बीच, जरा सा ऊपर, सेंटर से जरा सा ऊपर। तो मैं निशान लगाकर आपको दिखाता हूं। ये मैंने निशान लगाया आपके ये हाथ पे, ऐसा दोनों हाथों में, ये देखिए आपको समझ में आएगा। तो ये यहां पर ये धब्बा लगाया मैंने, ये रिफ्लेक्सोलॉजी का, नाभि ठीक करने का पॉइंट है। तो इसको क्या करना है, ऐसे अंगूठा लेकर इसको पीछे से फ्लैट पकड़ना है, पीछे पॉइंट क्रिएट नहीं करना, ऐसे पीछे फ्लैट पकड़ना है। यहाँ पर हल्का हल्का हाथ को ढीला छोड़कर हल्का हल्का सहलाना है, मसाज करना है, स्टिमुलेट करना है, हरकत पैदा करनी है इसमें। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर सेम जगह पर इस हाथ में, तो कुछ मिनट ऐसे, 2-4 मिनट करेंगे काफी है, दिन में ऐसे 4-5 बार किया जा सकता है, तो नाभि ठीक हो जाएगी। नाभि के खिसकने से बहुत सी तकलीफें और शुरू हो जाती हैं, जैसे गैस, बदहजमी, डकार, कब्ज, तो ये सब बातें नाभि के खिसकने से हो जाती हैं। तो इससे ये पॉइंट को स्टिमुलेट करने से नाभि एकदम सेंटर में आ जाएगी, सही हो जाएगी, और आप चैन से खा पी सकेंगे, उठ बैठ सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच। बाय।